हाय, आज की वीडियो का सीन है कि ट्राइंग थिंग्स फ्रॉम फूड आउटलेट्स दैट आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। मतलब कि अभी बताता हूँ। तो मैं कह रहा था आज ना मैं पॉपुलर ब्रांड्स के ऐसे खाने ट्राई करने वाला हूँ जो आज से पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किए। आई नो, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि तुषार भाई इसमें क्या नया यार, आप कुछ भी उठा के खा लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब यार इसमें किक है, और किक ये है कि भाई जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स है ना, बर्गर किंग से लेके वॉ मोमो, भाई मैंने लिटरली सबके मेन्यू ट्राई आउट किए हुए हैं। इनफैक्ट मैंने वीडियोज भी बनाई हुई है, तो आज कुछ नया खाने का चांस है, यही चैलेंज है। चैलेंज वैलेंज तो भाई बहाना है, मुझे तो बस कुछ बढ़िया खाने का मौका चाहिए होता है, और आज सुबह सुबह मोमोज खाने वाला हूँ मैं। बैम। दीज आर वाओ मोमो के न्यूली रिलीज्ड पेरी पेरी फ्राइड मोमोज, और मुझे कोई समझाएगा ये 1, 2, 3, 4, 5 पीस वेज मोमोज 260 रुपए के क्यों हैं? और ये चिकन वाले पता कितने के हैं भाई? ये 345 रुपीस के हैं ज़ोमैटो पे। और ये सेम सीन है जैसे वो मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज के साथ होता है ना, वो लोग आपको बैग देते हैं और साथ में पेरी पेरी मसाला देते हैं, तो आप बैग के अंदर वो फ्राइज डालो, मसाला डालो और ऐसे शिक शिक करो, एकदम ऐसे ही वही सीन है इनका भी। बट आई मीन 350 रुपीज फॉर 5 पीस मोमोज, कम ऑन रॉ मोमोज यार, ये क्या इतने इतने महंगे मोमोज बेचोगे तुम? ऐसा क्या है तुम्हारे मोमोज में? चेक दिस आउट। वैसे पेरी पेरी मसाला कैन नेवर गो रॉन्ग विद एनीथिंग, आई मीन फ्राइज के साथ, पोटैटो वेजेस के साथ पेरी पेरी मसाला, यार क्या यम लगता है। मैं मोमोज के साथ पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, लेट मी ट्राई इट। दीज आर एक्चुअली चिकन चीज मोमोज। इनके पास चिकन में ना 2 या 3 वेराइटीज और थी, तो सबके प्राइजेस कुछ वैसे ही थे। और ये जो वेज वाले हैं, दीज आर दार्जिलिंग मोमोज। वेज वाले बाद में ट्राई करते हैं, पहले भाई लेट्स ट्राई आउट द चिकन वन। मैंने आपको पहले ही बोला था भाई, पेरी पेरी मसाला किसी चीज के साथ गलत हो ही नहीं सकता भाई, क्या फ्लेवर तो अच्छा है देखो, ठीक है। बट द प्राइस इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड एंड आई विल ट्राई इट विद देयर चिल्ली चटनी। इनकी चटनी ना मुझे बड़ी सोसो लगती है। मेरी लॉयल्टी तो भाई वो जो मेरे जिम के पास रेडी पे मोमोज बेचते हैं ना भैया, उनके साथ है। और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने हयात से लेके डेली क्लब हाउस के मोमोज ट्राई किए हुए हैं, बट भाई जो रेडी वाले भैया के मोमोज है ना, ओहो, नथिंग कैन बीट दैट भाई। लेट्स ट्राई द वेज वन। भाई इन्होंने मसाला ऐसे चिपका के दिया है ना कि पैकेट ही फट जाए। देखो ये देखो क्या करते हैं भाई ये। तो बेसिकली दीज आर फ्राइड मोमोज जिसके साथ 2 रुपए का पेरी पेरी मसाला देते हैं और एक बेकार सा बैग देते हैं जो कि शेक करने से पहले फट जाए, और फिर जब तो आप शेक करोगे तो आपकी टेबल पे सारा मसाला गिरेगा, और फिर पहले मोमोज खाओ फिर सफाई करो, यही करो बस। वो थोड़ी सी चटनी, ये वाले तो अच्छे हैं उनके ना। दार्जिलिंग मोमोज फ्रोजन में भी आते हैं, मैंने सारे ट्राई किए हुए हैं, इनका मोबर्ग, इनका वो सेजन वाले मोमोज, बट ये वाले सपोजिटली कुछ नया रिलीज किया था इन्होंने। नया तो कुछ नहीं है, वही पुराना कंसेप्ट है, शेक शेक बैग देने का, साथ में पेरी पेरी मसाला देने का, खुद बना के खा लो, एंड दे विल चार्ज यू 500 रुपीज़ प्लस फॉर जस्ट 2 प्लेट ऑफ मोमोज। देखो भाई मोमोज का जो टेस्ट है ना, दैट इज लाइक फॉर मी 3.515, बट द प्राइसेस ऑफ दीज मोमोज आर नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूँ तो भाई डोमिनोज वालों ने ना अपना बड़ा एक्सपेंसिव लग्जरी पिज्जा रिलीज किया है, तो ये एक मोमोज और खाता हूँ क्योंकि अब मिर्ची लगनी शुरू हो गई है, ठीक है, एंड फिर भाई वो डोमिनोज का नया वाला पिज्जा ट्राई करते हैं। सीरियसली यार पिज्जा तो बहुत ऑसम लग रहा है। दिस इज डोमिनोज का वीवा रोमा पिज्जा एडिशन, और इस एडिशन के अंदर ना इन्होंने कुछ 8 पिज्जाज लॉन्च किए हैं जिसमें कि 5 आर वेज एंड बाकी 3 नॉन वेज है। और मैंने ना इनका बुराता पेस्टो पिज्जा ऑर्डर किया है, उसमें पता क्या करते हैं, दे पुट 4 वेराइटीज ऑफ चीज। मैंने एक्चुअली इनका मेन्यू ही मार लाया, तो इसके अंदर एक तो बुराटा चीज़ की बॉल होती है, और मोजरेला चीज़ जो अपना डालते हैं वो डालते हैं, एंड द पार्मेजान चीज़ ऑल्सो। यार ये ऐसा चीज़ है बोकोचीनी जो कि मुझे प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा, एंड वैसे तो इन पिज्जाज के नाम ही मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहे भाई। मतलब दिस टाइम द डोमिनोज गाइज हैव गॉन ओवरबोर्ड विद द ऑथेंटिसिटी, सही है भाई। और यार ये पिज्ज़ा पता है कितने का है? 1000 रुपये का, एंड ये मैंने भी मीडियम पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। और इसके साथ ना इन्होंने मुझे एक एक्सपीरियंस बॉक्स दिया जो कि मैंने खोल दिया, और इसके अंदर
इन्होंने मुझे पार्मेजान चीज दिया है। ओके, मैं तुम्हें पहले इसका सीन बताता हूँ। तो इसके पीछे ना हाउ टू यूज कॉलम है जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डालो, फिर पार्मेजान चीज स्प्रिंकल करो, देन ओरिगानो, एंड इसके अंदर शायद बेजल लीव्स भी मिलती हैं तो वो भी इसके अंदर डालनी है, देन यू आर सपोज टू ईट इट। मतलब ये सीन है इसका। एंड मुझे तो भाई ये वो DIY वाला पिज्ज़ा लग रहा है। मैंने 1000 रुपये दिए तब भी मुझे ही बनाना पड़ रहा है पिज्ज़ा। ये देखो, सो चेक दिस आउट, दिस इज द पार्मेजान चीज़, ये चिली फ्लेक्स नॉर्मल एंड ऑलिव ऑयल, और हाँ बस यही सीन है। यार आई थिंक आई हैव जस्ट गॉट स्कैम्ड, सीरियसली आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। मैंने बुराता पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, आई हैव अ रिसीट, और इसके ऊपर ना एक वो चीज़ वाली बॉल होनी चाहिए थी जो कि नहीं है यार। इनफैक्ट इस पर बेजल लीव्स भी नहीं है, तो मतलब बेजल लीव्स इन्हें साथ में देने चाहिए थे, वो भी नहीं है। ओह कम ऑन डोमिनोज। और मैं ये लिटरली मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ फुटेज पे है। मैं अंदर जब था मैंने तब भी उनकी वीडियो ली थी, एंड वाइल कमिंग आउट ऑल्सो आई टुक अ वीडियो। तो भाई डोमिनोज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो यार डोमिनोज वाले जो खिलाएंगे मैं खा लूंगा, ऑल्दो रिफंड मैं बाद में लूंगा, बट अभी मेरे सामने जो है आई नीड टू ईट इट। अब मेरे सामने इतना बढ़िया पिज्जा मुझे नजर आ रहा है, उसको छोड़ूंगा थोड़ी ना। Here goes the parmesan cheese, some olive oil, oregano, और चिली फ्लेक्स मुझे पसंद नहीं है तो मैं डालूंगा भी नहीं। और यार पता है क्या, उस बुराता चीज की बॉल को पियर्स करने के लिए ना मैंने स्पेसिफिकली उनसे ये फोक्स भी लिए थे। यार लिटरली आज तो डोमिनोज वालों ने जो मेरा काटा है ना भाई, याद रखूंगा मैं डोमिनोज। तो ये मेरा पिज्जा है, लुकिंग वेरी टेम्पटिंग, सच बता रहा हूँ। वैसे तो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। थिन क्रस्ट पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज, वेरी हाईली अनलाइकली, मैंने क्योंकि डोमिनोज का हमेशा वो थिक क्रस्ट ग्रीसी पिज्ज़ा ही खाया है। आई मीन डोमिनोज इज ऑल अबाउट पिज्ज़ा जिसमें कि वो रो रो के टॉपिंग्स डालते हैं एंड हम उसकी साइड्स फेंक देते हैं, तो मेरी तो मेमोरीज डोमिनोज के साथ हमेशा यही है। सो समथिंग न्यू फ्रॉम डोमिनोज, लेट्स ट्राई इट। आई लाइक द टोमेटो सॉस, दिस इज डिफरेंट। द टोमेटो सॉस इज नॉट दैट सॉस जो अपने नॉर्मल पिज्ज़ास पे लगाते हैं, लाइक आई कैन टेस्ट fresh tomatoes, seriously. For me, this specific pizza is like 8 on 10, but main ek number kaatunga because ye bahut zyada overpriced hai. I think yaar ye 5-600 rupaye ka pizza hona chahiye. Agar main kisi acche pizza outlet pe bhi jaun na, they will serve me the same pizza Woodfire wala in 600 or 700 rupees. To Domino's yaar kuch zyada hi paise le raha hai, aur ऑर्डर देने में भी गलती कर रहा है, मेरा चीज़ भी नहीं दिया, तो वो तो रिफंड मैं लूँगा। एंड एक स्लाइस पिज्ज़ा और खाऊंगा, लिटरली यार मेरा पेट भर गया बिकॉज ऑफ द मोमोज एंड पिज्ज़ा। अब ना आई वांट समथिंग स्वीट। बेल्जियन वॉफल्स के वॉफल्स तो मैंने बहुत खाए हैं, बट इनके ना ये मिनी पैनकेक्स नहीं खाए यार मैंने। इन दीज आर यार क्यूट सच में, मतलब छोटी छोटी इडली जैसे मुझे पैनकेक्स लग रहे हैं। और यार ये ब्लूइश सी इन्होंने उसके ऊपर टॉपिंग करके दी है जिसके अंदर ओरियोज है, और आई थिंक ये जो पैनकेक्स है ना लग रहा है मुझे यार ये क्या कहते हैं चारकोल, मुझे इसके अंदर लग रहा है इन्होंने चारकोल डाला हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि जैसा टेक्स्चर है ना तो मुझे ये चारकोल ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और थोड़ी सी डस्टेड शुगर भी है इसके ऊपर, and I pay 200 rupees for this. और यार ये मैं पहली बार खा रहा हूँ सच में। यार ये जो पैनकेक है ना इसका बेस तो भाई चारकोल ही है, ये तो मुझे फ्लेवर से पता चल गया, बट जो इसके ऊपर ये जो टॉपिंग है ना दिस इज आई थिंक कुकिंग क्रीम और इसके अंदर ओरियो भी है। आई मीन दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी वेल थॉट, बहुत अच्छा जा रहा है यार, नाइस। एक बात बताऊं, अगर आपका मूड कभी खराब हो या फिर कोई काम करने का मन ना कर रहा हो तो फिर ना आप बेल्जियन वॉफल आओ और ये पैनकेक ट्राई कर लो, या फिर उनका इन जनरल कोई भी वॉफल खा लो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सीरियसली मैं जब भी जाता हूँ ना हमेशा खुश होकर आता हूँ बेल्जियन वॉफल से। इनफैक्ट किसी भी भाई जब भी मैं वॉफल खाता हूँ मुझे मेरा मजे आ जाते हैं, एंड दीज पैनकेक्स वर अमेजिंग सीरियसली। अब ना बहुत खा लिया, मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं खाने पीने के सिवाय, तो अब मैं जा रहा हूँ घर, आई हैव टू डू सम वर्क, और फिर कुछ और बढ़िया खाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि बर्गर किंग में फ्राइड चिकन भी मिलता है। ओह चेक दिस आउट, दीज आर ग्रिल्ड चिकन विंग्स, मतलब ऐसे ही आपको इनका वो फ्राइड चिकन विंग्स भी मिल जाएंगे, बट आई थिंक मैंने वो फ्राइड चिकन विंग्स ना ट्राई किए हुए हैं, एंड आई ऑल्सो मेड अ शॉर्ट वीडियो अबाउट इट। और उस दिन ना मुझे बर्गर किंग वालों ने पहचान लिया था यूट्यूब से, एंड लिटरली भाई मेरी सीट पे आके उन्होंने मुझे सर्व किया था खाना, तो भाई
स्वैग है मेरा भी। ये देखना कितना ज्यादा सैड सैड सा लग रहा है चिकन विंग भाई, खाना वाना नहीं खिलाया था क्या चिकन को काटने से पहले? और इनफैक्ट ये ठंडे भी हो चुके हैं, पहले भाई डोमिनोज वालों ने मेरे मजे लिए, अभी यार बर्गर किंग वाले भी ऐसे कर रहे हैं। और ये मैंने 4 पीस का चिकन विंग मंगवाया था, डब्बे की तो ऐसी तैसी हो गई है। एनीवे मैन आई कांट ईट इट भाई, दिस इज कोल्ड चिकन। यार ये चिकन जो है ना मुझे पहले गर्म करना पड़ेगा तभी मैं खा पाऊंगा, ऐसे तो नहीं खाया जाएगा ये भाई, आते आते इतना ठंडा हो गया। ऑल्दो मुझे वैसे डोमिनोज वालों ने ना रिफंड दे दिया, बट चलो यार अब इसका मैं क्या ही रिफंड लूँ, इनफैक्ट मुझे इन्होंने कम से कम प्रोडक्ट तो दे दिया, बट डोमिनोज वालों ने भाई इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा अब तक। एनीवे आई मीन उन्होंने वैसे मुझसे, मैंने उनको बताया था कि देखो जी मेरे पास तो आपकी वीडियोज़ वगैरह भी हैं, इनफैक्ट जब मैं आउटलेट से आपके निकला हूँ और जैसे मैंने खोला मेरे पास आपकी सारी वीडियोज़ हैं, तो बट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर हमें वीडियो नहीं देखनी, आप अपने पैसे ले लीजिए, आप अब नया पिज्ज़ा ले लीजिए। मैंने कहा पिज्ज़ा तो नहीं भाई, मेरा पेट भर गया। और देवर लाइक ठीक है सर आप रिफंड ले लो। मैंने कहा ओके सर थैंक यू सो मच, और अगर आपको इसका मे बी पार्ट 2 देखना हो तो मुझे बता देना मैं बना दूंगा। मैं भाई ऐसे 50 पार्ट्स बना सकता हूँ, मेरे तो मज़े हो जाते हैं ना, मुझे खाने बनाने को मिलता है इतना कुछ। एनीवे इफ यू लाइक द वीडियो, मतलब इफ यू आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं लाइक बोल चुका हूँ, जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब, या देख लो कुछ भी मत करो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑलराइट हैप्पी ईटिंग।